फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशन एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में बीसलपुर रेलवे स्टेशन से हम बात करेंगे पीलीभीत शाहजहांपुर रूट के बारे में, जहां पर दो जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। एक सुबह पीलीभीत से चलती है, एक सुबह शाहजहांपुर से चलती है। बीच में ही दोनों ट्रेनों का क्रॉस बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर होता है, जैसा कि यहाँ पर होगा। हमारा बीसलपुर रेलवे स्टेशन आने वाला है, दिखाएंगे कि ट्रेन खड़ी होगी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहले से ही। ठीक उसी तरह से शाम के समय में भी एक ट्रेन शाहजहांपुर से चलती है और एक पीलीभीत से चलती है, और दोनों ही ट्रेनों का जो क्रॉस है वो बीसलपुर रेलवे स्टेशन पर किया जाता है। तो पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत ये सेक्शन आता है पूरा, इज्जत नगर मंडल के अंतर्गत पीलीभीत से शाहजहांपुर के बीच में। तो इस तरह से मात्र दो जोड़े ही अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जबकि एक ट्रेन अगर दोपहर में भी कर दी जाती, एक ट्रेन शाहजहांपुर से चलती एक पीलीभीत से 12-1 बजे के करीब में, तो और भी फायदा होता। तो इस तरह से लगभग सुबह दोपहर शाम तीन ट्रेनें हो जाती, लोग आते जाते। और कुछ लोगों ने मांग ये भी की है कि एक ट्रेन शाम को भी होनी चाहिए शाहजहांपुर की दिशा से भी और पीलीभीत की दिशा से भी लगभग 7 बजे के करीब में, जिससे कि लोग अपने गंतव्य पर रात में भी पहुँच सकें। कुछ लोगों ने हमारे वीडियो में ये भी कमेंट्स किया कि जो दरभंगा से अजमेर तक ट्रेन चलती है उसका जो रूट है वो वाया शाहजहांपुर पीलीभीत बरेली सिटी होते हुए कासगंज की दिशा में किया जाए, जिससे कि पीलीभीत के निवासियों को भी उसका लाभ मिल सके और बरेली के निवासियों को भी। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, पीलीभीत के निवासियों को तो इसका लाभ मिल जाएगा, लेकिन ट्रेन और भी लंबे रूट से घूम जाएगी। दूसरी बात यह भी है कि बरेली से पहले ही अजमेर के लिए ट्रेनें हैं, और वहीं आप चाहे गरीब नवाज एक्सप्रेस की बात कर लीजिए या आला हज़रत एक्सप्रेस के बारे में, तो ये ट्रेनें पहले ही अजमेर जाती हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोयले की जो है वो अनलोडिंग हो रही है यहाँ पर मालगाड़ी के सहायता से बीसलपुर रेलवे स्टेशन के माल गोदाम पर, या ट्रैक नंबर 4 जो माल गोदाम के लिए बनाया गया है। पीलीभीत के निवासियों के लिए मैं पहले ही हाल में वीडियो बना चुका हूँ और बता चुका हूँ कि पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन को ट्रेनों का असली लाभ तभी मिलेगा जब पीलीभीत मैलानी रूट तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल उसमें 1.5 से 1.75 साल का समय लग सकता है। पीलीभीत शाहगढ़ रूट को जुड़ने में मार्च 2024 मानकर चलिए। और बात कर लेते हैं पीलीभीत शाहजहांपुर रूट के बारे में। तो पहले दाएं दिशा में देखिएगा फ्रेंड्स, ट्रेन का क्रॉस यहाँ पर हो गया है। शाहजहांपुर से चलकर पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन जाने वाली पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है, या अनारक्षित स्पेशल ट्रेन। तो बात चल रही थी पीलीभीत शाहजहांपुर रूट की। तो जैसा कि कई लोगों ने ये भी सुझाव दिया कि लखनऊ जंक्शन से चलकर कुछ ट्रेनें सीतापुर शाहजहांपुर होते हुए पीलीभीत की दिशा में चलाई जानी चाहिए, टनकपुर के लिए भी और काठगोदाम के लिए भी, जैसा कि लखनऊ जंक्शन काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। तो ये कहा गया है कि इसको सीतापुर शाहजहांपुर पीलीभीत रूट से गुजारा जाना चाहिए, क्योंकि लखनऊ बरेली के बीच में जब ये ट्रेन चलती है 1:50, 43/44, तो इसका सीधा जो ठहराव है वो बरेली जंक्शन पर है, ना तो हरदोई रुकती है ना शाहजहांपुर। तो ऐसे में इस ट्रेन को इस रूट से गुजारा जा सकता है पीलीभीत शाहजहांपुर रूट पर वाया सीतापुर होते हुए। लेकिन बात वही है, लखनऊ से सीतापुर शाहजहांपुर पीलीभीत होते हुए कितनी ट्रेनें भेजी जा सकेंगी, 1, 2 या 3, या तो टनकपुर जा सकती है, या काठगोदाम जा सकती है, या बरेली के आगे किसी और दिशा में ट्रेन जा सकती है, जैसे कि दरभंगा अजमेर की बात कर रहे थे तो लोग, तो बहुत ज़्यादा 1, 2 या 3 ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। लेकिन मुश्किल यहाँ पर यह आएगी, समस्या ये आएगी कि सीतापुर के आगे शाहजहांपुर तक जो सेक्शन है वो उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आता है, और क्या उत्तर रेलवे वाले अपना रूट देंगे इस रूट से गुजरने के लिए, यानी कि सीतापुर से शाहजहांपुर के बीच में जो कोई भी ट्रेन चलाएंगे शाहजहांपुर से आगे पीलीभीत की दिशा में। क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि लखनऊ के आगे या किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर ट्रेन जाती है तो क्षेत्रवाद हावी हो जाता है, जल्दी रूट नहीं दिया जाता है। उदाहरण एक ले लेता हूँ, गोरखपुर काठगोदाम एक्सप्रेस ट्रेन जो काफ़ी समय से चलना चाह रही लेकिन चल नहीं पा रही है, क्योंकि लखनऊ के आगे उत्तर रेलवे ने रूट देने से मना कर दिया काठगोदाम के लिए। तो
यही इंतज़ार किया जा रहा है कि जब लखनऊ सीतापुर लखीमपुर पीलीभीत रूट जुड़ जाएगा तभी गोरखपुर से काठगोदाम के लिए ट्रेन चलाई जा सकेगी। लेकिन मुझे ज़्यादातर ऐसी संभावना दिख रही है कि पीलीभीत शाहजहांपुर रूट पर ज़्यादा ट्रेनों का लाभ नहीं मिलेगा अनारक्षित ट्रेनों को छोड़कर, और लंबी दूरी की ट्रेनें खास तौर से ज़्यादा नहीं मिलने वाली ऐसी संभावना दिख रही है, क्योंकि या तो टनकपुर से कोई ट्रेन चले पीलीभीत शाहजहांपुर होते हुए आगे लखनऊ की दिशा में जाए जैसे त्रिवेणी चल रही है तो हो सकता है इक्का दुक्का, या आने वाले समय में सीतापुर से शाहजहांपुर पीलीभीत होते हुए इक्का दुक्का ट्रेनें गुजार दी जाएँ तो कुछ खास ट्रेनों की संख्या नहीं मिलेगी ऐसा लग रहा है शाहजहांपुर पीलीभीत रूट पर। तो आप लोगों की इस मामले में क्या राय है, मेरा ये एक अनुमान था जैसा मैंने कि यहाँ पर विश्लेषण किया, एक तरह से अनुमान लगाया बहुत सोच समझ के हर तरह से, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से क्या होगा। क्योंकि अगर पीलीभीत जंक्शन रेलवे स्टेशन को कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों का लाभ मिलना होता वाया शाहजहांपुर होते हुए बीसलपुर होते हुए तो कब का मिल चुका होता, लेकिन अभी तक कुछ भी ट्रेनों का लाभ नहीं मिला। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा, आप लोगों की राय भी महत्वपूर्ण होती है। इस वीडियो को प्रवेश भाई ने बनाकर भेजा था, प्रवेश भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग भी जहाँ कहीं भी रहते हैं उसके आस पड़ोस अगर किसी परियोजना पर काम चल रहा है तो वहाँ का वीडियो बनाकर हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।